नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल और केवल इस वीडियो को अपनी एजुकेशनल पर्पस के लिए समझें। और यहाँ पे जो स्टॉक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा उनके लिए डेफिनेटली कुछ नेगेटिव है, लेकिन एक चीज जो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो हर सेकंड एक अलग मोड है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये आपको पता होना चाहिए अगले महीने ये डाटा फिर आएगा, मे बी अच्छा आ जाए। अभी तो खराब आया है, लेकिन क्या पता अगले महीने अच्छा आ जाए। तो आप इस वीडियो को देखकर कोई डिसीजन नहीं लोगे शेयर को बेचने के लिए, और खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि डाटा खराब आया है। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो कि एक सेक्टर से रिलेटेड है और उस सेक्टर में थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है, प्लस बाजार के लिए पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डाटा आता हुआ दिखा जो कि कहीं से अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब खराब भी नहीं है पर अच्छा भी नहीं है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है, जो आपके लिए इंडिया का एसएमपी ग्लोबल इंडिया पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल है वो आया है आपके लिए 57.7 और 57.8 प्रीवियस था, तो थोड़ा डीप नीचे आता हुआ दिखा है, बट बहुत शानदार है। अभी भी 50 के ऊपर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ऐसा माना जाता है, और आपका अभी 57.7 चल रहा है, तो बहुत ही तंगड़ा देखने को मिल रहा है, बहुत ही तंगड़ा। तो कोई इशू नहीं है, चाइना में 50 के नीचे चला गया है इसी के लिए वहां पे स्टिमुलस लाने की बात चल रही है, और इसी चक्कर में आप देख सकते हैं मेटल स्टॉक्स में तेजी चल रही है। अभी आएगा नहीं आएगा स्टिमुलस वो देखने वाली बात है, बट हाँ, ये एक भारतीय नागरिक और भारतीय इन्वेस्टर और फाइनेंस मार्केट में एक डाटा आपके लिए आता हुआ दिखा जो मैंने आपके साथ शेयर करा, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डाटा जो अभी 57.7 पे आता हुआ दिखा है 57.8 के सामने, तो बहुत स्लाइटली सी गिरावट है, ज्यादा नहीं है। अब आते हैं अपनी एक्चुअल न्यूज पे। देखिए, खबर ये है जो एयर पैसेंजर डाटा है, हवाई यात्रा करने वाले लोगों का डाटा है, वो घटता हुआ दिखा है कंटिन्यू सेकंड मंथ। आप इसको समझिए, लोग ट्रेवल कम कर रहे हैं, मंथ ऑन मंथ डाटा जो आता है उसमें दिख रहा है कि लोग ट्रेवल कम कर रहे हैं, चाहे वो भारत का भारत में हो यानी डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक हो, या फिर वो भारत से किसी दूसरे देश से यानी कि इंटरनेशनल ट्रेवल हो, ये कम हो रहा है। अब इसकी वजह से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इंपैक्ट करेंगे वो समझिए। पहले मैं आपको डाटा बताता हूं, इंडिया पैसेंजर एयर ट्रैफिक कंटिन्यूज डिक्लाइनिंग फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ, दूसरे महीने कंटिन्यू ये डाटा घटता हुआ दिख रहा है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक डाउन 2.4% मंथ ऑन मंथ टू 122.2 लाख पैसेंजर्स, 2.5% के करीब ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट है, यानी कि जो जून में एयर ट्रैफिक था उसके सामने 2.5% गिरा है जुलाई में, ठीक है, अगस्त में नहीं जुलाई में, अगस्त तो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है जी। आगे अगर इंटरनेशनल डाटा की बात करें तो वो गिरा नहीं है, वो फ्लैट है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, और लगभग मंथ ऑन मंथ अराउंड 27 लाख पैसेंजर आए, जो 27 लाख लोग पिछले महीने थे, और उससे पहले यानी जून महीने में भी 27 लाख का पैसेंजर ट्रैफिक था। अब इस डाटा से कौन से स्टॉक, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन, जब लोग ट्रेवल कम कर रहे हैं एयर में यानी कि हवाई यात्रा कम कर रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक के लिए तो नेगेटिव हो ही गया इंडिगो के लिए, ठीक है जी। बाकी अगर छोटी कंपनियों में देखेंगे आप तो फिर वो आपके लिए स्पाइस जेट वगैरह भी, बट उनका कितना ही मार्केट कैप है, मार्केट शेयर है सॉरी, तो वो छोड़ देते हैं। बट हाँ, इंडिगो के चार्ट पैटर्न की बात करें तो वहां कोई इशू नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई इशू नहीं दिखता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, डाटा भी आता हुआ दिखा जो आप क्लियरली दर्शा रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है। अब जब आप देखेंगे जून और जुलाई दो महीने खराब है, तो आपके लिए क्वार्टर वन का एक महीना खराब हो गया, और क्वार्टर टू का भी फर्स्ट मंथ जुलाई, अभी उसका नंबर नहीं आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का आपके लिए अक्टूबर नवंबर में नंबर आएंगे, तो इस क्वार्टर टू जो अभी रनिंग चल रहा है वो आपके लिए जुलाई महीना का डाटा खराब आ रहा है, तो ये नंबर्स पे भी इंपैक्ट करेगा। अब आते हैं दूसरे स्टॉक्स को। देखिए, एयर ट्रैफिक में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अब मान के चलो जब इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, वहां पे लाउंजेस देने का काम कौन सी करती है कंपनी, आपकी ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। अब ड्रीम फॉक्स सर्विसेज की बात करें, जब लोग ट्रेवल ही कम कर रहे हैं, ट्रेवलिंग डाटा ही घट रहा है, तो फिर इस स्टॉक के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बाकी इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है और वन साइडेड रैली में रहा है स्टॉक, तूफानी तेजी में, लगभग 370 के करीब था जनवरी में और आज ये 786 का हो गया है, तो बड़ी तेजी में रहा है, बट डाटा खराब आया, तो इसको भी थोड़ा सा रडार पे रखें। फ्रेश बिकवाली करनी है नहीं करनी है वो नहीं बोल रहा, बस आपके लिए डाटा शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगले महीने डाटा फिर आएगा, हर महीने डाटा आता रहता है, हम अगर हर सेकंड बेचने लगे खरीदने लगे तो फिर पैसा ही नहीं बनेगा, फिर तो ब्रोकर के लिए काम करना ऐसा हो जाएगा। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, इजी ट्रिप प्लानर्स। वैसे तो ये बहुत कारोबार में है, बट क्या है कि ये इस कारोबार में भी फ्लाइट बुकिंग हो गया आपके लिए, सर्विसेज हो गई आपके लिए, तो वहां भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उस स्टॉक की बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, तो एक बार चेक कर लेते हैं अभी कहां पे स्टॉक, इज माय ट्रिप के नाम से इसका कोड है, जी हाँ,
41 पे, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा डाउन है, बट हाँ स्टॉक में एक सपोर्ट जरूर है 40 रुपीज के समथिंग 39.50, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तो ठीक है, लेकिन उसके ब्रेक करने का थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, तब भी यही कहा था 39.50 का ऐसे रखे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली एयर ट्रैफिक से रिलेट करते हैं, बाकी और भी कोई स्टॉक हो सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।